राजर सी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं स्कूल ऑफ साइंसेस से डॉक्टर दीपा चौबे, आज मैं आपको UGZY 101 में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल बताया। सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देखिए सर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है कि दो शब्द से मिलकर के बना है। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट और वास्कुलर मीन्स होगा ब्लड वेसल्स। तो आपका जो हार्ट है वो उसमें क्या कौन सी प्रोसेस होती है, पंपिंग की प्रोसेस होती है। तो हार्ट क्या पंप करता है, ब्लड को पंप करता है और कहाँ तक पंप करता है, वेसल्स के थ्रू बॉडी में पहुँचाने का काम करता है। तो जो हमारा ब्लड है बॉडी में किस तरीके से फ्लो करता है, ये पूरे सिस्टम को हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से बताएंगे। बेसिकली देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये हम आपको अभी डिटेल बताएंगे। हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में आपका जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया, तो ये इसके बारे में हम एक एक पॉइंट आपको डिटेल बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बॉडी फ्लूड्स के बारे में बताती हूँ। बॉडी फ्लूड्स क्या होते हैं, बॉडी फ्लूड्स दो तरीके से बॉडी में होते हैं। एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो सेल के बाहर की तरफ होता है, और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूड जो कि सेल के अंदर की तरफ होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और इंट्रा सेलुलर फ्लूड, इसके साथ साथ बॉडी में दूसरी चीज़ आप स्टडी करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है सेल। लिक्विड पार्ट में वाटर होता है और सेल में आपका RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। लिक्विड पार्ट हो गया, सेल हो गया, लिक्विड पार्ट में वाटर और सेल में RBC, WBC और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का, तो अभी हम आपको डायग्राम से डिटेल बताएंगे। उसके पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हार्ट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कितने आर्कल्स होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स होते हैं। तो हार्ट में प्रेजेंट होता है 2 आर्कल्स। हम यहाँ पे मैमल्स हार्ट की बात बता रहे हैं। इसके पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए कि अगर हम सिस्टम में चलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स से अगर हम स्टार्ट करें, हार्ट का स्ट्रक्चर देखना शुरू करें, तो इनवर्टिब्रेट्स में जनरली पूरी तरह से डेवलप नहीं है। वर्टिब्रेट्स का देखें तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले आप स्टार्टिंग से देखिए, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो जो फिश होता है इसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, इसमें होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट, और बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब होता है 1 आर्किल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स।
एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स टू आर्किल्स एंड वन वेंट्रिकल्स, बट रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है कि इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स दो आर्किल्स और दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है। अगर हम फिश की बात करते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, तो फिश में अगर हार्ट देखें तो वन आर्किल्स हो गया एंड वन वेंट्रिकल्स हो गया। फिश हमेशा, फिश में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? गिल्स प्रेजेंट होता है। गिल्स का काम क्या होता है? ये पानी से ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जो डीऑक्सीजनेटेड है ब्लड, वो कहाँ पे प्यूरीफाई होगा? गिल्स में प्यूरीफाई होगा। गिल्स से फिर ये आता है बॉडी में। इसी तरह से अगर एम्फीबियंस की बात करें, तो एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, दो आर्किल्स हैं, तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा? मिक्स टाइप का ब्लड होगा, क्योंकि आर्किल से ब्लड आएगा आपका वेंट्रिकल की तरफ। राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये आपको पता है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल और वेंट्रिकल्स जो होता है इसका कॉमन होता है, ये हो गया वेंट्रिकल्स। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट हो गया, वन टू थ्री। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड मिक्स हो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड वेंट्रिकल्स में आते हैं। इसीलिए जब ये लंग्स में प्योरीफिकेशन के लिए जाता है, तो लंग्स में भी दोनों तरह के ब्लड प्रेजेंट होते हैं इसमें, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड टाइप। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, दो आर्किल्स होते हैं, दो वेंट्रिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम इसको आपको डिटेल स्ट्रक्चर बताते हैं कि किस तरीके से इसमें ब्लड का फ्लो होता है। देखिए, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड इंटर करता है राइट साइड में, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से होता हुआ ये जो ब्लड होता है, इसका फ्लो कहाँ पे होता है? राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से अब ये क्या है, यहाँ पे सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ ये कहाँ का ब्लड आ रहा? बॉडी का ब्लड आ रहा। तो बॉडी से जो ब्लड आता है, ये ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ब्लड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्किल्स में आता है, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल्स में आता है, और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा? ऑक्सीजन के लिए लंग्स में पहुँचता है। लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर इसको मिलती है, तो ब्लड पूरी तरह से क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड पे आता है, यानी लेफ्ट आर्किल्स, देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स से होता हुआ कहाँ पे आएगा? एरोटा से होता हुआ बॉडी में आता है। अब बॉडी के अंदर फिर से जो ब्लड आया, अब यहाँ पे बॉडी में आने पे मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, बॉडी फिर से डीऑक्सी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो, बॉडी फिर ऑक्सीजन, फिर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से होता हुआ फिर राइट आर्किल, देन राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहाँ आएगा? आपका लंग्स में आएगा, लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए आएगा। फिर लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ, एरोटा से होता हुआ बॉडी में आता है। अब देखिए दूसरी चीज़, ये तो हमने आपको सिंपल बता दिया कि ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से बॉडी के अंदर होता है। दूसरी चीज़, इसमें आप ये समझिए वॉल प्रेजेंट होते हैं,
अगर हम वॉल्व्स को देखें तो वॉल्व्स में आपको सबसे पहला वॉल्व जो प्रेजेंट होगा आरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको कहते हैं एवी वॉल्व। ये आपका राइट साइड पे भी प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट होता है। अगर हम सिंपल सा देखें, अगर हार्ट का स्ट्रक्चर हम सिंपल सा ऐसे बना रहे हैं रफली, एक तो ये सेप्टम हो गया, राइट आर्कल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्कल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ब्लड आपस में मिक्स ना होने पाए इसलिए बीच में क्या होता है, सेप्टम होते हैं। आर्कल्स के बीच में आर्कल सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच में आर्कुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। तो वॉल्व्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। ट्राइकस्पिड का मतलब है इसमें इस तरीके से तीन फ्लैप बने होते हैं, ये हमेशा राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट या मिट्रल वॉल भी कहते हैं इसको, दो फ्लैप प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका राइट साइड पे प्रेजेंट होता है और बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व जो होता है लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। इस तरीके से वॉल्व का काम क्या होता है कि आर्किल से जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो फिर ये क्या होता है, वॉल्व अपने आप क्लोज हो जाते हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है फिर से आर्किल्स में वापस ना जाने पाए। इसी तरह से मिट्रल वॉल्व जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, इसका भी फंक्शन ये होता है कि आर्किल्स का जो ब्लड है लेफ्ट साइड का जब वेंट्रिकल्स में इंटर करता है, क्योंकि ये प्योर ब्लड है, फिर से ब्लड वापस इसमें ना जाने पाए, तो ये एक तरीके से फ्लैप का काम करता है। जैसे दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद हो गया तो जितना ब्लड इसमें इंटर किया उतना ही ब्लड इंटर करता है, फिर से ज़्यादा ब्लड इसके अंदर नहीं आता। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड दो तरीके के वॉल प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें भी वॉल प्रेजेंट होगा। एरोटा है, इसमें भी वॉल प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर राइट साइड का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जा रहा है तो अगर वॉल्व नहीं होगा तो फ्लो इसका क्या होगा, कंटिन्यूस फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं इसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो तीसरा, एक तो हो गया ये आपका ट्राइकस्पिड, ये हो गया आपका बाइकस्पिड, और तीसरा होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व से होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि बॉडी में किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, कौन कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, उन वॉल्व का क्या फंक्शन होता है, ये हमने आपको बताया। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में तीन तरह के सर्कुलेशन बताया, सिंगल सर्कुलेशन, जो कि फिश में होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस में है, रेप्टाइल्स में है, और तीसरा डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन जो कि मैमल्स में पाए जाते हैं। डबल सर्कुलेशन में अगर आप देखें तो इसमें भी डबल सर्कुलेशन नाम क्यों दिया गया है, अभी हम आपको स्ट्रक्चर के साथ में बताएंगे कि इसमें दो तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है। एक तो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा, और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी जब ब्लड बॉडी में जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि ब्लड है, अभी हमने आपको जो बताया कि ब्लड राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। तो जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में पहुँचा तो फिर से ये ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। यानी हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया
और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ पे आया, हार्ट में आया, लेफ्ट साइड में आया ना, अभी हमने आपको डिटेल बताया। तो ये कहलाया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी ब्लड हार्ट का ब्लड कहाँ जा रहा, लंग्स से होता हुआ और फिर से हार्ट में जा रहा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट का जो ब्लड होता है ये कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। इसका ब्लड बॉडी में जाता है, फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। तो ये कहलाता है सिस्टम, सिस्टम में गया यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट से होता हुआ जा रहा है यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जब दोनों सर्कुलेशन एक साथ होते हैं, अभी हम इसको डायग्राम से आपको बताते हैं, तो ये कहलाते हैं डबल सर्कुलेशन। तो तीन तरह के सर्कुलेशन, सिंगल, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमने अभी आपको बताया कि दो आर्टिकल्स और एक सिंगल वेंट्रिकल्स है। सिंगल वेंट्रिकल्स होने से जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, यहाँ पे ब्लड मिक्स टाइप का होता है। डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन भी होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन भी होता है। देखिए अभी हमने आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बताया, क्या कहलाते हैं, कार्डियो एंड वास्कुलर, दोनों हमने आपको डिटेल बताया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसको कहते हैं। इसके बाद बॉडी फ्लूड बताया, दो तरीके के बॉडी फ्लूड होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होते हैं, सेल एंड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड इज यूजली ऑल बॉडी फ्लूड्स आउटसाइड ऑफ द सेल, एंड इंट्रा सेलुलर इनसाइड द सेल। बस ये चीज़ें रखिएगा, सेल के बाहर की तरफ और सेल के अंदर की तरफ। इसके बाद हमने आपको प्लाज्मा का स्ट्रक्चर बताया, प्लाज्मा में हमने बताया वाटर कितने परसेंट होता है, 55% प्लाज्मा में कितना वाटर होता है, कितनी सेल्स होती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि सेल्स में हमने जैसे तीन पार्ट बताया आपको, आरबीसी बताया, डब्ल्यूबीसी बताया और प्लेटलेट्स बताया, तो उसमें आरबीसी की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, यानी 44% अराउंड आरबीसी और 1% में आपका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। ये देखिए इस डायग्राम में ये है ना, ये देखिए ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आपका आरबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी, ये 1% में आपका डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सर्कुलेशंस के टाइप जो भी हमने आपको डिटेल बताया, ओपन टाइप सर्कुलेशन, क्लोज टाइप सर्कुलेशन, सिंगल, इनकम्प्लीट एंड डबल सर्कुलेशन। ये हमने आपको बताया सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन जो भी हम आपको डिटेल बता चुके हैं। ये देखिए अब हम आपको डायग्राम से बताते हैं कि सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। हमने आपको ये चीज़ बताई ना कि हार्ट से जो ब्लड जा रहा है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है प्योरिफिकेशन के लिए, जिसको कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर बना है, ये क्या है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, और यहाँ से होता हुआ राइट साइड, राइट आर्टिकल्स टू राइट वेंट्रिकल्स होता हुआ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है प्योरिफिकेशन के लिए, और प्योरीफाइड होकर के फिर कहाँ पे आता है, लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट आर्टिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये कहलाया पल्मोनरी, जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, लंग्स से होता हुआ ब्लड जा रहा है। दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक में बताया ना कि लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड यहाँ पे कहाँ आता है, बॉडीज़ में आता है, यहाँ पे फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ आ जाता है, राइट साइड पे आता है। तो दो तरह के सर्कुलेशन एक साथ इसमें प्रेजेंट हैं, जिसको कि डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, हार्ट के स्ट्रक्चर में राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एवी नोड, एसए नोड, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, कार्डिक साइकिल बताएंगे तो उसमें हम आपको ये डिटेल बताएंगे कि एसए नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि हार्ट में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम की लेयर, द इनर वॉल ऑफ द हार्ट हैज़ अ लाइनिंग कॉल्ड द एंडोकार्डियम। दूसरी लेयर होती है मिडिल लेयर मायोकार्डियम की। मैक्सिमम जो बना होता है हार्ट की लेयर, वो मैक्सिमम लेयर कहाँ पे होती है, मायोकार्डियम लेयर होती है, कंसिस्ट ऑफ द हार्ट मसल सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम का क्या काम होता है, कितने परसेंटेज ये पूरी हार्ट को कवर किया रहता है, तो
और तीसरी जो इसमें लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है, वो होती है विसरल पेरिकार्डियम लेयर। विसरल और पेराइटल, जो पेराइटल रीजन में प्रेजेंट है उसको पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो विसरल रीजन में प्रेजेंट होती है उसको विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। तो हार्ट की लेयर है, इसको भी आप डिटेल में स्टडी कीजिए। अब देखिए, वॉल्व के बारे में हमने आपको बता दिया कि आरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व, ये आपका राइट साइड पे भी प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अंतर क्या होता है कि अगर एवी वॉल्व आपका राइट साइड पे प्रेजेंट है तो ट्राइकस्पिड होगा, और लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है तो बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ये अभी हमने आपको डिटेल बताया। और दूसरी चीज़ है, सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एरोटिक वॉल्व एंड द पल्मोनरी वॉल्व, दोनों वॉल्व को कॉमन क्या होते हैं? सेमी लूनर वॉल्व कहलाते हैं। अगर एरोटिक साइड पे है तो एरोटिक वॉल्व कहलाएगा, पल्मोनरी है तो पल्मोनरी वॉल्व कहलाते हैं। देखिए, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ब्लड आपका राइट साइड, राइट एट्रियम से होता हुआ कहाँ पे आता है? वेंट्रिकल्स में आता है, तो कार्डिटेंडिनी, ये बहुत ही मेन रोल होता है कि ये इसका क्या काम होता है। द कार्डिटेंडिनी आर अटैच टू द कोन शेप प्रोजेक्शंस इन द वेंट्रिकुलर वॉल नोन एज द पैपली मसल्स। ये क्या करती है? एक फ्लैप की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको जैसे वॉल्व को टाइट रखने का काम करती है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो इसको पूरी तरह से सपोर्ट करने का काम किसका होता है? कार्डिटेंडिनी का। सुपीरियर, अभी हमने आपको डिटेल में बताया कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा से होता हुआ आता है। देखिए, ये आर्टरीज हैं, ये डायग्राम है, आर्टरीज हैं, आर्टरीज आर्टीरियोल्स हैं, ये ओपन हो रही छोटी छोटी कैपिलरीज में, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, वेंस है, वेंस डिवाइड हो रहा है वेन्यूल्स में, यहाँ पे क्या है? मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, छोटी छोटी कैपिलरीज है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स होते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कार्डिक साइकिल। देखिए, कार्डिक साइकिल क्या होता है? कार्डिक साइकिल इज परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द एंडिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट। आपने ऐसा कभी नोटिस किया होगा ना कि आपकी जो हार्ट बीट होती है दो बार धक धक दो बार होती है ना, लव साउंड एंड डब साउंड। तो जब ये कंप्लीट होता है तो एक हार्ट बीट माना जाता है। द चेंज दैट ऑकर्स इन हार्ट ड्यूरिंग वन बीट आर रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर इन द नेक्स्ट। द साइक्लिकल रिपीटेशंस ऑफ द वेरियस चेंजेस इन द हार्ट फ्रॉम बीट टू द बीट इज कॉल्ड द कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल का जो आपका बीट, आपका वन बीट जो कंप्लीट हो रहा है उसका टोटल टाइमिंग क्या होता है? 0.8 सेकेंड विद द नॉर्मल हार्ट। एक नॉर्मल हार्ट के लिए 0.8 सेकेंड कैसे होता है कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल क्या है? आर्किल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका ड्यूरेशन क्या होता है? 0.1 सेकेंड का होता है। आर्किल्स सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका टाइम पीरियड 0.3 सेकेंड का होता है। तो जब आर्किल्स का ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, एक तो होता है कि वॉल्व से होता हुआ आर्किल्स का ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में आया, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सेकेंड हार्ट साउंड आता है। पहला जो साउंड आता है फर्स्ट साउंड को कहते हैं लव साउंड, और सेकेंड साउंड कहलाता है आपका डब साउंड। तो सेकेंड साउंड क्या होता है कि जब एवी वॉल्व क्लोज होता है, एवी वॉल्व के बंद होने से पहला साउंड आता है, और जब सेमी लूनर वॉल्व बंद होता है तो सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है। और हार्ट जो कंप्लीट डायस्टोलिक क्या है, रिलैक्सेशन फेज है इसका, कि जब कंप्लीट रिलैक्स होता है, रिलैक्स फेज क्या होता है? 0.4 सेकेंड का होता है, यानी एट्रियल सिस्टोलिक 0.1, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक 0.3 सेकेंड, और कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल या रिलैक्सेशन फेज होता है ये होता है 0.4 सेकेंड का होता है। इसलिए जो कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल जो पूरे कंप्लीट होती है वो होती है 0.8 सेकेंड की। एट्रियल सिस्टोल, सेम चीज़ें जो अभी हमने आपको बताया, एट्रियल सिस्टोल इनिशिएटेड द साइकिल बिकॉज द पेसमेकर एसए नोड इज सिचुएटेड इन इट। अभी हम आपको बताते हैं कि एसए नोड क्या होता है।
ऐसे नोड से इंपल्स कैसे ट्रांसफ़र होती, कैसे जनरेट होती है, जनरेट होकर के जाती है एवी नोड के पास। ऐसे नोड फुल फॉर्म इसका होता है साइनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड से जो इंपल्स है वो ट्रांसफ़र होकर के एवी नोड के पास में जाती है। ये है आपका एवी नोड, एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टूल यानी आर्कल से वेंट्रिकल्स में आया। यहाँ से होता हुआ जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वो स्प्रेड करता है वेंट्रिकुलर मसल्स बाय द बंडल ऑफ हिज एंड द पर्किंजिन फाइबर्स। एक डायग्राम है उसके साथ हम आपको बताते हैं। ये तो हार्ट साउंड है किस तरीके से, लव साउंड एंड डब साउंड जो हमने आपको बताया। एक मिनट, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है। कार्डिक आउटपुट इज द ऑलमोस्ट ऑफ ब्लड बीइंग पंप बाय द हार्ट इनटू द सर्कुलेशन इन ईच बीट ऑफ हार्ट। बेसिकली कार्डिक आउटपुट क्या है कि जैसे देखिए हम आपको अभी बताते हैं डिटेल में कि आर्किल से जो ब्लड हुआ आपका वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट साइड का ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और फिर इसके बाद फर्स्ट वॉल्व जो ट्राइकस्पिड वॉल्व थी या एवी वॉल्व थी वो क्लोज हो जाती है, यहाँ पे फर्स्ट साउंड आया, और सेकंड साउंड आपका प्रोड्यूस होता है सेमिनुलर वॉल्व जब ब्लड जो है ऊपर की तरफ पंप होता है, यानी वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का ब्लड ऊपर की तरफ जब जाता है और फिर से वापस ना आने पाए, इसलिए क्या होता है सेमिनुलर वॉल्व पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे सेकंड साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो वेंट्रिकल्स का ब्लड जितना ब्लड वेंट्रिकल्स का वो बाहर की तरफ निकलता है वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की कि कितना ब्लड आपका वेंट्रिकल्स से बाहर की तरफ गया जो कि फिर से वेंट्रिकल्स में वापस नहीं आता, यानी कहाँ गया ये बॉडी में जाता है, तो कितना ब्लड आपका बॉडी में गया वो कहलाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए आप हार्ट रेट देखते हैं कितना हार्ट रेट है और कितना स्ट्रोक वॉल्यूम। तो बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम आपका क्या है कि कितना ब्लड वेंट्रिकल्स से बॉडी में वेंट्रिकल्स से बॉडी में गया, तो इसी तरह से इसका अमाउंट करके कितना ब्लड गया, लगभग अप्रॉक्स 5 से 6 लीटर ब्लड वेंट्रिकल से होता हुआ जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे नोड क्या होता है, अभी हमने आपको बताया ना कि डिटेल हम आपको बताते हैं ऐसे नोड क्या होता है कि यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होती है। एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि हार्ट जो होता है उसमें दो तरीके से, एक तो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है और दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। तो न्यूरोजेनिक हार्ट में न्यूरॉन्स का काम होता है कि न्यूरॉन्स से जो है इम्पल्स ट्रांसफ़र होकर के नीचे की तरफ, इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं जो कि मसल्स को जनरेट करते हैं, और दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि इसमें ऐसे नोड्स जो होते हैं साइनो एट्रियल नोड्स होते हैं ये इम्पल्स खुद से जनरेट करते हैं, यानी खुद उनमें इतनी क्षमता होती है कि सोडियम आयन्स को अपने अंदर ले लेते हैं, और ये इम्पल्स जो जनरेट होता है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि इम्पल्स कभी भी, जैसे इम्पल्स ये क्या है आपका राइट साइड है राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम में ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, इसीलिए कहते हैं इसको ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं कि यहाँ जो इम्पल्स जनरेट होती है कभी भी नीचे की तरफ डायरेक्ट नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि इम्पल्स जो ऐसे नोड से होता हुआ राइट साइड से राइट वेंट्रिकल्स में आ जाए, ऐसा नहीं होता, राइट आर्किल से लेफ्ट आर्किल्स की तरफ आती है। तो इम्पल्स का जो जनरेशन है यानी सारी सेल्स पूरी तरह से जनरेट हो जाती है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन ये प्रोसेस कहलाता है, इसको डीपोलराइजेशन की प्रोसेस कहते हैं, यानी इसको आप एरो करके इस तरीके से समझा भी सकते हैं बता सकते हैं कि इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे होता है। फिर इम्पल्स अब नीचे की तरफ जो ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ पे क्या है मस्कुलर सेल्स है, सब मस्कुलर सेल्स से होती हुई इम्पल्स नहीं आती, इम्पल्स आपकी आती है एवी नोड की तरफ आती है। एवी नोड क्या करता है, बेसिकली इसको इम्पल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, और यहाँ से जो इम्पल्स होती है धीरे धीरे ये ट्रांसमिट होकर के आती है लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड राइट बंडल ब्रांचेस, यानी इसको कहते हैं बंडल ब्रांच। जो राइट साइड पर बंडल प्रेजेंट होते हैं उसको राइट बंडल ब्रांच कहते हैं, और जो बंडल लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होते हैं उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं। इससे होती हुई इम्पल्स आपकी आ जाती है पर्किंजिन फाइबर्स में। तो इम्पल्स का ओरिजिन, इम्पल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ऐसे नोड से ओरिजिनेट होते हैं, इनमें सेल्फ इतनी क्षमता होती है कि खुद से इम्पल्स को ओरिजिनेट करके और चारों तरफ ये इम्पल्स राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जाते हैं, लेफ्ट से होते हुए एवी नोड में आते हैं, एवी नोड से होते हुए नीचे बंडल ब्रांच और पर्किंजिन फाइबर्स तक जाते हैं। साइनो एट्रियल नोड वही जी बताया आपको, जो ऐसे नोड्स सिचुएटेड एट द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, अभी हमने आपको बताया राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नोड एक्ट एज अ पेस मेकर, ये भी मैंने आपको बताया पेस मेकर की तरह से काम करते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड
ऐसे नोड से होता हुआ एवी नोड में आया, एवी नोड से बंडल ऑफिस में आया, बंडल ऑफिस से पर्किंजिन फाइबर्स में आते हैं। पर्किंजिन फाइबर्स क्या होते हैं ये हमने आपको भी बताया। हार्ट बीट की ओरिजिन दो तरीके से ओरिजिन होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। एक तो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है और दूसरा मायोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट जो कि न्यूरॉन्स से होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और मायोजेनिक हार्ट क्या होते हैं, इन मायोजेनिक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द स्पेशल नोड ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स द एसए नोड, जो खुद से अपने आप मॉडिफाइड होकर के और इतनी क्षमता होती है कि उसमें सोडियम आयन को लेने की क्षमता उसमें खुद से होती है और वो कहलाता है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये हमेशा राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम पे प्रेजेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि देख लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम किससे किससे बना होता है, आर्टरीज का क्या काम होता है, क्या काम करती है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। मिट्रल वॉल सेपरेटेड द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व यानी बाइकस्पिड हमने आपको बताया, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को अलग करके रखता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जो कि राइट साइड पे होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को अलग रखता है कि ताकि ब्लड जो है आपस में मिक्स ना होने पाए। पल्मोनरी वॉल्व इज बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है हमने आपको बताया कि ब्लड को कहाँ ले जाता है, लंग्स में ले जाने का काम करता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचाता है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर लेफ्ट साइड पे आता है। देखिए अभी हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल बताया, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो इसकी स्टडी करने के लिए आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो सबसे पहले आप सिंपल सा स्ट्रक्चर हार्ट का बना के देखिए कि इसमें कितने आर्किल्स हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, कितने आर्किल्स हैं, कितने वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं, दो आर्किल्स हैं, दो वेंट्रिकल्स हैं, कितने तरह के वॉल्व प्रेजेंट हैं, कौन सा वॉल्व ऐसा होता है जो राइट साइड पे होता है, जैसे ट्राइकस्पिड है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपका बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, और किस तरीके से ये ब्लड की सप्लाई करते हैं। राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका जा रहा है लंग्स में, फिर प्योरीफाइड होकर के लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट से होता हुआ फिर एरोटा के थ्रू ऑर्गन में आता है, ऑर्गन में फिर मिक्स हो जाता है ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, तो ब्लड क्या हो जाता है, पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो किस तरीके से ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है इसको आप डिटेल में पढ़िएगा। धन्यवाद।